जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलं जस्यो रसी व्यालराक स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वसर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकरंकर तृतीय नेत्र को आधार करी ये तृतीय नयन कार्यक्रम रे आमे आज शुणा बाणासुर चरित। असुर एवं सुर देवता आउ असुरंक भितरे जदिओ सेमाने दुई भाई हेले भी परस्पर भ्रातृ विवाद सबुबेले लागी थाए। भाईरे विवाद सबुबेले लागी थाए आउ सेई विवाद केते बाट चली जाए। तेबे असुर मानंकु विशेष भावरे सहायक होइथांती भगवान शंकर। असुर माने तपस्या द्वारा ब्रह्मा किंबा शिवंकु संतुष्ट करी बलशाली होइथांती बर पाइथांती आउ जुगे जुगे एई जो असुर मानंकर उत्पात को समान करिबा पई भगवान शंकर विविध रूप धारण करती अथवा भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करती। शंकर एवं विष्णु ये उभयंकर सुंदर अवतार कथा गुड़िक आम शुणी था पुराण मानकर पुराण पृष्ठा मंडन करी शिवचरित विष्णुचरित यह सबुबले असुर आउ देवता मानक भितरे संग्रामर एक सुंदर सूत्रपात उपरे आधारित होता। बाणासुर हेउची महादानी बलिराजांकर पुत्र। बलिराजा हेउचंती प्रह्लादंकर नाती। हिरण्यकशिपुंकर पुत्र हेले प्रह्लाद। प्रह्लादंकर पुआ विरोचन। विरोचनंकर पुआ हेले बलि। जेउ बलिराजा दान दौ दौ सबु देइदेले एवं शेषरे निजकु मध्य भगवानंकर बामनंकर पाद तले समर्पण करदेले निजे निजकु देइदेले पाद तले किंतु भगवान निजे बंदी हेइगले बलि पाखरे पातालरे बलिराजा पाखरे भगवान निजे बंदी हेइजाइथिले। सेइ बलिराजांकर चरित आमे तो शुणीचे। तांकर पुत्र हेउछंती बाणासुर। बाणासुर मध्य प्रचंड तपस्या करितिले घोर तपस्या करितिले। तपस्या फलरे से ब्रह्मा को संतुष्ट करिछंती भगवान शंकर को मध्य संतुष्ट करिछंती। भगवान शंकर को जेतेबेले बाणासुर तपस्या करी संतुष्ट करिछंती तपस्या रे संतुष्ट होई शंकर भगवान आविर्भूत होइछंती बाणासुर आगरे। मते दियंतु सहस्र भुजर शक्ति प्रदान करंतु बाणासुर बर मागिछंती संतुष्ट होई आशुतोष शंकर भगवान देइछंती बर। हजार हात दे दैछंती बाणासुर। सहस्र भुजर शक्ति काहीकि हजार हाथ नहीं जाओ तेणु बाणासुर होती सहस्र बाहु सहस्र भुज पुणी आउ कौन बर मगुच। शंकर भगवान कहते तुम उपर बहुत संतुष्ट तुम भक्ति रे तुम तपस्या रे मु संतुष्ट होइछि। बाणासुर होती भक्त वंश प्रह्लाद बलि इत्यादि भक्त भावरे पुराण रे भागवत इत्यादि पुराण मानकर नाम प्रख्यात अच्छी से माने विष्णु भक्त आ भक्त वंश रे अवतार होती बाणासुर। भक्ति करा जाए शंकर विष्णु को ब्रह्मा को ये तीन प्रकार भक्ति। ब्रह्मा को स्तुति करा जाए जेते बेले जीव ब्रह्म परम ब्रह्म सहित
ज्ञान मार्ग रे संपर्क स्थापन करे, वेद मार्ग रे वैदिक तत्व मार्ग रे संपर्क स्थापन करे। सेहिपरि शंकर को आराधना करा जाए जेतेबेले योग मार्ग रे जने आत्मा को नहीं परमात्मा के सहित सम्मिलित करिया को चेष्टा करे, ये हौचि योग मार्ग शंकर। आउ विशुद्ध भक्ति मार्ग हौचि ज्ञान मार्ग गला, योग मार्ग गला, भक्ति भक्ति मार्ग हौचि विष्णु को पाइवार प्रकृष्ट उपाय। तबे बाणासुर योग मार्ग रे तांकर तृतीय नयन को उन्मुक्त करिछंती। तृतीय नेत्र अर्थात जेउठी आमे ध्यान करू ब्रह्मरंध्र रे जीवात्मा परमात्मा को ध्यान करे, सेठी शंकर भगवान तत्व आविर्भूत होइथाय। से हौचने आत्मा स्वरूप कुहा जायछि आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारं पदयो प्रदक्षिण विधि स्तुतिश्च सर्वा गिरः जज्जत कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे शंकर भगवान, आपण हेउचन्ति मोर आत्मा एवं बुद्धि हेउचन्ति स्वयं गिरिजा पार्वती देवी। एहिपरि भावर एहि तत्वरे ज्ञानरे बाणासुर उत्कृष्ट तपस्या करि शिवंकु संतुष्ट करिथिबारु शंकर भगवान तांकु हजार हात देइ सल्ला परे मध्य पुणि कहउचन्ति आउ कोन वर मागुछ माग। बाणासुर कहउचन्ति प्रभु हजार हातरे मु अनुभव करुछि अतुलित शक्ति मो हातरे आसीगला, मु चाहुछि आपणक सहित युद्ध करिबा पाए। भगवान शंकर कहिले अरे अरे मोठारु वर नेलु मते ध्यान कलु मोर भक्त है मो संगे युद्ध करिबो एटा ठीक नुह। जदि तोर बाहुमानकर एते दर्दंड कंडु हेउछि अर्थात बाहुर आस्फोट हेउछि ताहले निश्चित भावरे युद्ध करिया को तो सहित युद्ध करिया को लोक आसीबे। किए आसीबे ये धरणी रे तोर शत्रु निश्चित तते युद्ध करिया को आसिकरी पहुँचे तो सम्मुख रे। केतेबेले जानिबु जेतेबेले जानिबु जे तोर जो प्रासादर सर्वोच्च शिखर जो ध्वजा अच्छी पताका अच्छी से पताका जेतेबेले स्खलित होइजिबो सेतेबेले जानिबु तो सहित युद्ध करिया पई तोर शत्रु आसीगले आउ मो सहित तोर युद्ध करिवा ठीक हबो। तबे अन्य को बरबाग बाणासुर कहिले शंकर भगवान आपण मोर ये पुरक रक्षा करिवा पई सदा सर्वदा मोर ए प्रासाद बहिर्देश रे बा बहिर्भाग रे अवस्थान करिवे। शंकर भगवान कर सुंदर मंदिर हेला एवं से मंदिर रे सदा सर्वदा शंकर भगवान विद्यमान रहिले। शिव को बाणासुर बर मागिला एवं शिव तांक द्वारपाल हला परी रहिगले। बलि मागिथिला बामन को बर एपरि भाव रे बामन द्वारपाल हे बलि द्वार रे पाताल रे रही जाइथिले। आ ये बलिंकर पुत्र बाणासुर ये मध्य सेया कला भगवान शंकर को द्वारपाल बनै देला। तबे बाणासुर निजर प्रताप रे तेज रे निजर शक्ति बल रे देवता मानंकु असुर मानंकु समस्तंकु निजर आयत्तर नै आसिला। महाशक्तिशाली हला बाणासुर। बाणासुर रो गोटिए सुंदर कन्या ना हेउची उषा, अपूर्व सुंदरी कन्या जन्म नेले। बाणासुर प्रताप रे अतिष्ठ होइछन्ति शंकर भगवानंकर कृपारे बाणासुर अति बलियान होइछन्ति अति दुर्धर्ष होइछन्ति। एहि समय रे द्वापर युगर कथा भगवान कृष्णंकर पुओ प्रद्युम्न तांकर पुओ अनिरुद्ध अनिरुद्ध एवं उषांकर संपर्क स्थापन करैबा पई भगवानंकर कृष्णंकर एक सुंदर परिकल्पना। भगवान कृष्ण चिंता करिछंती जे कलियुगरे ये असुर माने आ रहिबे नाही, द्वापर रे ए असुर मानकु मु विनाश करिबि। तेणु भगवान जोति पई अवतीर्ण होइछंती, कृष्ण जोति पई अवतीर्ण होइथान होइथिले तांकर
সেই ধরা ভার হরণ করা ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে তেণু সাধু মানক সুরক্ষা অসাধু মানক দমন অসুর মানক দমন করা তাঁকর কর্তব্য লা গর্বরে প্রতাপরে বলরে বণাসুর এপরি উদ্ধত লা যে তাকে দমন করা নিতান্ত আবশ্যক ভগবান কৃষ্ণ চিন্তা কলে ইয়ে তো শঙ্কর ভগবানকর বরপুত্র হচ্ছে বাণাসুর করা কম তেণু কমিটি তা সহ যুদ্ধ করা যুদ্ধ করবার গোটে কিছু উপক্রম লে তো হব কৌশি কারণ লে বিনা কারণে কাহা প্রতি গোটে সংগ্রাম করা কাহ সহ এ তো হব না তেণু মায়া রচনা করে ভগবান এপরি কলে যে যেপরি উষা অনিরুদ্ধঙ্কর পরস্পর প্রণয় প্রেমর গোটে সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি হব উষা রাতে স্বপ্ন দেখিলে সুন্দর পুরুষ অনিরুদ্ধ স্বপ্নরে দেখিলে এবং স্বপ্নরে অনিরুদ্ধ সহ উষাঙ্কর মিলন সকালে উঠিলে নিজের সখী সখী অতি অন্তরঙ্গা সখী চিত্রলেখা বহুত মায়া জানে বহুত প্রকার সে ছল কপট আসুরি মায়া তাকে মালুম অছি চিত্রলেখা কহিলে সখী রাতে এক সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নরে দেখে আউ সেই পুরুষ প্রতি মোর মন প্রাণ সবু সমর্পি দিয়েছি তেণু কৌশি মতে সেই পুরুষ মোর দরকার তোর মায়া বলরে বা যেকোনসি উপায়ে সেই পুরুষকে মতে আনি তু দেইদে যেতবেলে চিত্রলেখা শুনিলে কহিলে সখী সে পুরুষ কি কমিটি দেখা তা স্বরূপ কে মতে কহিপারিব সেতবে উষা নিজর যে কলাশক্তি বলরে চিত্রাঙ্কন বিদ্যারে আঙ্কি দেলে সেই পুরুষর সম্পূর্ণ স্বরূপ চিত্রলেখা জাঁপারে ইয়ে হচ্ছেন দ্বারকাপুরীর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকর নাতি প্রদ্যুম্নকর পুত্র অনিরুদ্ধ চিত্রলেখা দ্বারকাপুরীকে আসলে মায়ারে অনিরুদ্ধকে তাঁর শয়ন কক্ষের উঠেই নিয়ে গেলে চিত্রলেখা এ কথা ভগবান কৃষ্ণ জাঁ কথা নুহে সে সবু জাঁচান কিন্তু চাহুচার এয়া ঘটু অনিরুদ্ধকে নিয়ে যাই চিত্রলেখা উষাঙ্ক শয়ন কক্ষের রাখিদেলে শয়ন কক্ষের শোয়েছেন অনিরুদ্ধ উঠিলে দেখিলে হঠাৎ স্থান অলগা কাল অলগা পাত্র অলগা সুন্দরী যুবতীকে দেখি পচারিলে অনিরুদ্ধ মু এঠাকু কেমিতি আসিলি সবু কথা কুহা হয়েগলা চিত্রলেখা কহিদেলা অনিরুদ্ধ আনন্দরে এবং জনে প্রণয়ী ভাবরে রহিগলে উষাঙ্কর অন্তপুরে কৌশি মতে দ্বারপাল মানে গন্ধ পাই বাণাসুর কহিলে বাণাসুর সসৈন্যে দলবল নেই প্রবেশ কলে সেই অন্তপুরকে দেখিলে যে প্রাসাদ উপরে তাঁকর যে ধ্বজা উড়ুলা সে ধ্বজা খসি পড়ছে যা শঙ্কর কহিলে ধ্বজা খসি পড়লে জাণবু শত্রু আসছেন তেণু বাণাসুর জাণিলে মোর শত্রু আসিছি তেণু সৈন্য মানক সহ বাণাসুর উষাঙ্কর অন্তপুরে প্রবেশ করছেন সেতবে জাঁপারি তা চিত্রলেখা এবং উষা দূরকু নিয়ে যাওয়া বসছেন দূরে এক শিব মন্দির নিকটক নিয়ে যাওয়া বসছেন কিন্তু বাণাসুর জাঁপারে তা সৈন্য সামন্তকে পঠাইলে সৈন্য সামন্তকে অক্লেশে পরাস্ত করে দেলে অনিরুদ্ধ শেষে বাণাসুর এবং অনিরুদ্ধকর যুদ্ধ হল প্রচণ্ড যুদ্ধ বহু প্রকার চেষ্টা করে বাণাসুর অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করে পারলে না শেষে নাগপাশ সর মারিলে নাগপাশ সর দ্বারা বন্ধা হয়ে গেলে অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ বন্ধন ভিতরে রহিলে কারাগার এই কথাকু দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাখে দ্বারকারে জনাইদেলে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকার সমগ্র নারায়ণী সেনা মান সহ বলভদ্র আসলে প্রাগজ্যোতিষপুর বা অন্যান্য পুরাণের তার নাম শোণিতপুর আক্রমণ করা যেতবে আক্রমণ করা আসছেন বাণাসুর এবং শ্রীকৃষ্ণকর সৈন্য মানকর নারায়ণী সেনা উভয় পটে অনেক বাণাসুর সৈন্য মানুষ কৃষ্ণ পরাস্ত করে দিলে বাণাসুর নিজে কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করা প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন
बाणासुर एवं श्रीकृष्णंकर उभयंकर सैन्य मानक भितरे घोर युद्ध संगर सृष्टि हेगला। से युद्ध रे नारायणी सेना बाणासुर सैन्य मानक परास्त कर देले। तापरे बाणासुर निजर बछा बछा योद्धा मानक धरी निज थाट धरी आसिला श्रीकृष्ण सहित युद्ध करिबा पाई। प्रचंड युद्ध हला। बाणासुर जेतेबेले देखिला श्रीकृष्ण को पारिबो नाही सेतेबेले भगवान शंकर को स्मरण कला। भगवान शंकर आविर्भूत हो गले एवं शंकर निजे भोलानाथ देखत शंकर भगवान भक्त पाई निज भक्त पाई केते केते तैयार होई थांती निज भक्त पाई आतुर होकरी से मध्य युद्ध कले। शंकर एवं श्रीकृष्णंकर नारायण एवं शिव शक्ति ये दुई शक्ति भितर संग्राम हला। अनेक काल बीतीगला ए संग्राम सरला ना हेले भगवान श्रीकृष्ण कहिले हे शंकर भगवान तुम्हें बर देच बाणासुर दर्प गर्व दंभ अभिमान बढ़ई देच हेले तुमको वर्तमान हार मानिया को पड़िब। शंकर भगवान गुप्त रे श्रीकृष्ण को कहिदेले प्रभु आपण जृंभा बा जृंभणास्त्र रे मते निद्राभिभूत कर दिंतु मु निदरे सोई पड़ी से भितर आपण बाणासुर दर्प हरण करिवे किंतु ताकु बध करिवे नाही ए कथा दियंतु। भगवान कृष्ण कहले तथास्तु। जृंभणास्त्र मारी कृष्ण जेतेबेले सुआई देले शंकर भगवान सोई पड़िले निद्राभूत हो गले। बाणासुर सहित कृष्णंकर प्रबल संग्राम हला। भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र बाहर कले। सुदर्शन चक्र द्वारा बाणासुर हजार हाथ हाणीदेले 996 हाथ आउ चारोटी हाथ रखिले। भगवान शंकर यही समय निद्रु उठिगले एवं कहिले बाणासुर को चाह कहिले रे पापिष्ठ रे अधम रे दर्पिष्ठ तू कौन शुणिनु जे धराभार हरण करने क्षितिभार हरण करने स्वयं नारायण श्रीकृष्ण रूप से आविर्भूत होती जन्मग्रहण करे मूढ़ सहित युद्ध कले तोर जीवन विपन्न हो मोर मध्य क्रोध आसीबो तो प्रति नारायण शक्ति नारायण मोर अभिन्न शिव एवं कृष्ण ये होंगे अभेद अभिन्न शक्ति मो सहित युद्ध करवा जहा श्रीकृष्ण सहित युद्ध करवा से तेणु युद्ध बर्जन कर शरण पश। बाणासुर कृष्णंकर पदारविंदर शरण पशिले देखु भक्त को रक्षा करने भगवान शंकर किपर निजे जाई कृष्ण सहित युद्ध करने प्रस्तुत हो गए। जेतेबेले बाणासुर श्रीकृष्णंकर पदारविंदर शरण पशिले तत्सहित अर्पण कले निज कन्या अनिरुद्ध संबंध स्थापित हला एवं दर्प गर्व दंभ राक्षसर चलीगला। भगवान शंकर जगतर मंगल करने भाव बाणासुर को ये बाणासुर चरित अत्यंत सुंदर चरित बाण शब्द बाण हेउची एक तीर जे कि निर्दिष्ट भाव एक लक्ष्य स्थल रे पहुँचे ताकू बाण कहते तेरे तार नाम बाणासुर कहीं से कौन बाण मारुला ना ना जे ध्यान मार्ग रे जोगी कौन करे आत्मा को सर करी परमात्मा को लक्ष्य करे सरंतु जीवं परमेव लक्ष्यम तेणु आत्मध्यान आत्मज्ञान रे असुर हेले मध्य जेहेतु भक्त वंश ध्यान रे से परमात्मा को पाइथिला शंकर को पाइथिला परम शिव को पाइथिला तेणु बाणासुर एते सुंदर भाव रे शक्तिशाली हो पड़ा। बाणासुर चरित एक शिक्षणीय चरित एथिरु आमे कौन शिखुचे जे जेते शक्ति निज आम पाखे थाऊ जेते शक्ति आम अर्जन करिथाउ से शक्ति को केवे हेले अपचय करिबा नाही बा कुमार्गरे प्ररोचित करिबा नाही। जदि आमर शक्ति को आमे कुमार्गरे प्रयोग करिबा ताहले निश्चित भावरे गर्भगंजन भगवान शंकर हुवंतु विष्णु हुवंतु कृष्ण हुवंतु राम हुवंतु जगन्नाथ महाप्रभु हुवंतु कौनसी बाटरे जगन्नाथ आमर गर्भ को गंजन करिबे। गर्भ गंजन नर हरि गर्भ न रखंती कहारी स्वयं शंकर मध्य गर्भशून्य अमायिक भाव में
थांती सदा सर्वदा भक्तंक हितरे तेणु जस्यांकेच विभाति भूधर सुता जहार अंकरे पार्वती सदा सर्वदा विद्यमान अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती पार्वती को अर्धांगिनी करिसंती एवं शंकर भगवान खंड चंद्र को चंद्र जेतेबेले संपूर्ण क्षय जाइचंती द्वितीय चंद्र तांकु मध्य निज शिरे आश्रय देइचंती केडे महत केडे महान शंकर भगवान गरल को पान कर निज कंठरे आश्रय देइचंती निजे दिगंबर है जगत को केते केते जे अंबर प्रदान करिसंती ऐश्वर्य वैभव प्रदान करिसंती तार ठिकणा नाही तबे निजे संपूर्ण अमायिक है निजे संपूर्ण सरल है ऐश्वर्यहीन है फकीर है समस्त को दान कर देइचंती शंकर अनेक संपद धन धन भोला नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में ऐसी दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में हे शंकर भगवान तुम्हें एते दीन दयालु जे जगत को बांटी देलो इंद्र को इंद्र पद ब्रह्मा को ब्रह्म पद कुबेर को धनद पद वरुण को रत्नाकर बा रत्नपति रत्नाधिपति पद ये सब पद अर्पण कर दे जम को दे देलो से संहार पद बा दंडधर पद समस्त को पद दे दे तुम्हें कौनसी पद नेलानी हेला फकीर हेला अमायिक जोगी एवं कैलाशवासी होगल सत्य तुम घर द्वार मध्य नहीं फटा कौड़ी टीए ना तथापि तुम्हें सदानंद सदा संतुष्ट सबु बले संतुष्ट जी रहंती संतुष्ट सततं जोगी से हुंती परम जोगी से हुंती परम शिव तंकर तृतीय नेत्र उद्भासित हुए तृतीय नेत्र हेउची प्रज्ञा चक्षु ज्ञानर प्रतीक परम ज्ञानर प्रतीक से शंकर भगवान शंकर भगवानंकर ए अपूर्व चरित आमे श्रवण कले बाणासुर बाणासुर किपरि तंकर भक्त है अतिष्ठ हेइथिला एवं परम भक्त रे परिणत हेइथिला एइठारे आमे शंकर भगवानंकर ए अपूर्व चरित कथा समाप्त करिबा जय शंकर भगवान जय शंकर भगवान।